रात का है, फॉग में बहुत ज्यादा ठंडी है, ठंडी ठंडी। आप अपने अपने मुंह से आप फॉग निकाल सकते हैं या देखिए। हेलो, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो व्यूअर्स। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं आ गया हूँ नया वीडियो के साथ। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी नहा धो के रेडी हो गया। मैं सोच रहा था कि उठते ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा कि अब नहा धो के वीडियो बनाऊँ तो क्या आपको शक्ल अपना दिखाऊँ, खराब सा। तो नहा लिया है, तो अभी मुझे कॉल आया, मुझे कहीं जाना है, तो चलिए उसका भी वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अच्छी जगह लेके जाऊँगा। और वीडियो में कुछ जरूरी नहीं कि मैं हमेशा आपको कहीं ना कहीं घुमाऊँ, बस डेली ब्लॉग है तो मैं अपना डेली मतलब जो मैं डेली करता हूँ वो आपको दिखाऊँगा, ठीक है। अभी तो मैं रेडी हो रहा हूँ, रेडी हो तो फिर उसके बाद आपसे बात करें, ठीक है। तो चलिए, मैं तो रेडी हो गया हूँ, चलिए अब चलते हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो आउटफिट एक बस जैकेट डालिए, एक आईने के जींस है, तो चलिए चलते हैं। लेकिन शूज़ क्या पहनेंगे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक शूज़ का चार्ज चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या पहनते क्या नहीं पहनते। गाइस, मैंने आउटफिट चेंज किया क्योंकि मैंने शूज़ भी चेंज किया, इसलिए ये चेंज किया, तो इसलिए ऊपर का जैकेट भी चेंज कर दिया, मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। सच में जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँच गए, चलिए ये देखते हैं। चलते हैं भाई, आ सकते हैं। हेलो भाई, यूट्यूब पे जाएगा भाई वीडियो। तो भी किसी का वेट हो रहा है, भैया है ओके, वो आएंगे फिर उसके बाद एंट्री होगा। हाँ राजन भैया, हाथ में लाइए, वीडियो जाएगा यूट्यूब पर, तो ब्लॉग तो बनेगा ही ना भाई। हाँ तो जा रहा है उधर, सब उधर ही जाएगा। हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के संयोजक और आप प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश राजीव, संभाग प्रभारी गोरखपुर बस्ती आगे राजेश्वर सिंह जी, प्रदेश पर हमारे के साथ उनका अभिनंदन करेंगे, बोलेगा भारत।
माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पांडे जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रभारी गोरक्षनाथ मंडल के नेतृत्व में, अध्यक्ष आशीष जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता तिरंगे के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन प्रवासी परिवार की तरफ से कर रहा हूं। साथ ही साथ रानी लक्ष्मीबाई मंडल भाई मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी से आग्रह कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। रानी लक्ष्मीबाई मंडल के कार्यकर्ता मंडल के पदाधिकारी गौरव तिवारी जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता उनका भी मैं अभिनंदन दे मेरे साथ भारत माता की। तो ये था यूनिवर्सिटी संघ का मतलब वीडियो जो आप लोग अपलोड करेंगे हम अच्छे से बना के तो आप लोग दिखेगा। तो यहाँ से हम निकले हैं तो पीछे भीड़ काफी है, जब अपलोड करेंगे तब आप लोग देखिएगा। अभी तो हम लोग हिंदू युवा वाहिनी संघ का टाइम भी ज़्यादा हो गया, तब मुझे घर पर जाना है और काम भी बहुत ज़्यादा करने भी, कॉलेज का भी काम है वो भी करना है, तो इसलिए मैंने कहा कि अब यहाँ से निकलते हैं फिर बात करते हैं, घर चलते हैं फिर देखते हैं आपको आगे का वीडियो। ठीक है, बाय बाय। तो हेलो गाइज, तो आप लोगों ने पूरा आज का ब्लॉग अभी आज का ब्लॉग अब एडिट करने जा रहे हैं, तो एडिट करेंगे तो अपलोड कर देंगे। कल ब्लॉग में कुछ वीडियो मेरे कुछ फ्रेंड में था, उसने अभी तक सेंड नहीं किया तो इसलिए नहीं आ पाया, तो उसके लिए सॉरी तहे दिल से। आज के जो मैंने अपने फ़ोन से शूट किया है वो आ जाएगा, और देख सकते हैं आप लोग कितना लिटरली कितना ज़्यादा ही फॉग है, देख रहे हैं फॉग देख रहे हैं आप लोग, कितना ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर। और मैं आप लोग को अगर दिखाना चाहूँगा, मैं आप लोग को अभी लिटरली इसमें रात के 11:30 बज गए, और 11:30 बजे इतना ज़्यादा है घोरा फॉग कि कुछ कह नहीं सकते हैं। आपको दिखाएं, आइए आपको बैक साइड के कैमरा का दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा फॉग है छत पे कि मुझे मेरा टाइगर नहीं दिख रहा है, जो एकदम पास कर तो टाइगर दिख रहे हैं, नहीं तो ना दूर जाने पे फॉग की वजह से टाइगर दिख नहीं रहे धुंधले। और ये है गाइस कितना ज़्यादा फॉग है, मुझे अपने छत से बारिंदे के नीचे नहीं दिख रहा है, ये गाइस फॉग ही इतना ज़्यादा है। तो बन्नी कैसा एक्सपीरियंस है 11:30 बजे रात का है फॉग में? बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंडी ठंडी। आप अपने अपने मुंह से आप फॉग निकाल सकते हैं? या देखिए बहुत ज़्यादा फॉग है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मैं इससे ज़्यादा क्या दिखाऊँ आप लोग को, देख रहे हैं ना। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा फॉग है आज, मतलब कोहरा कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है, और स्कूल भी सारे बंद हो चुकी हैं यहाँ पर। हमारे DM साहब कौशलराज शर्मा ने सारा स्कूल बंद करा दिए हैं 8 जनवरी तक, तो बच्चे मजा करें, जाड़ा है। और मैं इस समय छत पे हूँ अपने, और पीछे आप देख सकते हैं धुंध।
तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो करते हैं आज का एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।